सभी का मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। गोंडा की मनकापुर विधानसभा सीट पर हम आ चुके हैं और हम जनता से बात करेंगे और जानेंगे 2022 के चुनावों के लिए उसका मूड किन मुद्दों पर बन रहा है, क्या सोच रही है यहाँ की जनता, क्या कोई ओपिनियन बन रहा है। चलिए सीधा लोगों से बात करते हैं। सर बीजेपी की तरफ जी, क्या पसंद है योगी जी और बीजेपी में? सर बिल्कुल रामराज्य, सबको जो है खाद्यान्न मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, जरूरत की चीजें। दूसरी चीज बिजली की समस्या हम लोगों के क्षेत्र की विशेष थी, पूछिए अब लाइट मिल रही है। बाबा जी को देंगे और किसको देंगे। क्या पसंद है, क्या कर दिया बाबा जी? कुछ नहीं पसंद है, सब कुछ उनका पसंद है, सब कुछ उनका। जैसे अब जैसे क्या बताएं, सब कुछ हमें मिल रहा है, गरीबी रेखा का मेरा कार्ड है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ। अखिलेश, क्या पसंद है आपको अखिलेश जी के कामकाज में? जैसे जो बेरोजगार चढ़ रहे हैं इनके लिए थोड़ा नौकरी हो जाती है कभी कभी, और जो जैसे बेरोजगारी में निकलती है भर्ती अधिक हो जाती है, कोई नौकरी फंसती नहीं है। योगी जी ठीक काम कर रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है काम करने? उनका तरीका अच्छा लग रहा। जैसे कुछ भी कोई भी काम करते हैं फाइनल करते हैं। अरे हम लोग तो बीजेपी के हैं। अच्छा। जी तो क्या अच्छा कर रही है बीजेपी या योगी सरकार? अरे बीजेपी सरकार ठीक ही करे, कोई गलत थोड़ी कर रही है। यही बहला वहला से लोग पीड़ित हैं, इसी के लिए सबको दिक्कत है, यही एक चीज़ के लिए सब दिक्कत है, बाकी तो सारी कारण हमें ठीक ही चल रहा है, मगर उसमें हमारे लोगों की ही गलती है। क्या गलती है? अरे यही हमारे भाई लोग तो छोड़ते हैं, कोई दूसरा थोड़ी छोड़ता है। हमारा 83 मोटो बन रहा है सपा को वोट में जी। क्या बढ़िया है सपा के लिए यादव? सपा तो बच्चों के लिए तो बहुत ठीक है, जो वोट वगैरह शिक्षा में और क्या नाम है नौकरी में सबसे ज़्यादा है। मनकापुर विधानसभा सीट की बात करें तो 2017 में बीजेपी से रमापति शास्त्री यहां पर विजय हुए और 1,00,000 से ज्यादा वोट इनको यहां से मिले थे। हालांकि 2012 में सीट सपा के पास थी, पर 2017 में भाजपा ने इस पर जीत दर्ज की। मुद्दों के हिसाब से यदि देखा जाए तो इस इलाके में विकास कार्यों को एक अहम मुद्दा माना जाता है, और जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय आबादी बड़ी तादाद में रहती है। इसके अलावा ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स की भी तादाद यहाँ पर अच्छी खासी है। अरे मोड़ तो देखा जाएगा। कैसा काम कर रही सरकार? सरकार तो बहुत किसानों के हित में दायक काम कर रही है। क्या परेशानियां हो रही हैं किसानों को? बहुत परेशानियां हैं किसानों को। जैसे बताइए। जैसे छुट्टा जानवर पूरी फसल नष्ट कर रहे हैं। परिवर्तन तो होना ही चाहिए। तो कौन पसंद आ रहा है आपको, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी या कोई और? अब समय बताएगा क्या है, अभी क्या बता दें। तमाम मुद्दा है, तमाम सरकार इसी पे राजनीति करती है और इन यो तमाम मतलब दिक्कतें खड़ी हुई, लेकिन इनके राज्य में ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका भी साल हो गया। अभी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक ठाक कर रही है। क्या पसंद है क्या ना पसंद? पसंद यही नहीं है कि इसे महंगाई बहुत है, तेल 190 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया, यही सब समस्या है। काम वाम तो कुछ नहीं भवा बहनी हमारे सब के, इतना आग लाग है, महंगाई बिक्री ही मिल गए है, यह कोनो विषय बाल बच्चे में जियावा पाला जात है बहनी, अब और का के लिए, महंगाई इतना आग लाग है। कानून व्यवस्था हर व्यवस्थाएं उनकी अच्छी लगी हमें, उनका शासन व्यवस्था चाहे जो भी कानून से संबंधित हो चाहे जो भी, योगी जी हमें बेहतर लगे। सियासी मूड भाजपा की तरफ है, लेकिन साढ़ से बहुत परेशान है क्षेत्र के वासी, एक चीज़ भाजपा दूर कर दे तो कभी हार ही नहीं सकती। बस इतनी बड़ी समस्या है, क्या परेशानियाँ इससे? केवल गौशाला जो बने हुए हैं इसमें साढ़ नहीं रहते, केवल आदमी पैसा खा रहे हैं। गौशाला का जो निर्माण हुआ है उसमें पशु पक्षी रहने पाए, ना कि आदमी रहे, और क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या किसानों के पास केवल यही है गाय को लेकर के, बहुत बड़ी समस्या। आप चले जाइए हर चौराहे पे 50-60 गाय पड़ी हुई हैं।